193 देशों की ताकत रखने वाला यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, इस संगठन का निर्माण किया गया था दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए। जब भी दुनिया में शांति स्थापित करने की बात आती है तो सबसे पहला नाम यूनाइटेड नेशंस का ही आता है। यह ऑर्गेनाइजेशन गरीब देशों की मदद करता है और युद्ध प्रभावित देशों से दोस्ती की अपील करता है। यूनाइटेड नेशंस का प्रभाव दुनिया भर में इतना ज्यादा है कि देश इसकी सदस्यता लेने के लिए नंबर में लगे होते हैं। लेकिन अभी दुनिया में शांति कायम करने का दावा करने वाला यूनाइटेड नेशंस इसराइल और हमास की जंग के बीच में क्या कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में संयुक्त राष्ट्र संघ आज तक दुनिया में युद्ध रोकने में सफल रहा है? तो इसका जवाब मिलता है नहीं। रिकॉर्ड बताते हैं कि यूनाइटेड नेशंस दुनिया में युद्ध रोकने में अधिकतर असफल ही रहा है। यहाँ हम एक लिस्ट के जरिए जानेंगे कि यूनाइटेड नेशंस अभी तक युद्ध रोकने में कितना असफल रहा है। लेकिन इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में यूनाइटेड नेशंस का क्या हाल है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक हुई जिसमें इसराइल हमास युद्ध पर चर्चा हुई, जहां दुनिया भर के 15 देशों ने मिलकर हमास को भला बुरा कहा और इसराइल से शांति की अपील की। लेकिन इस बैठक में इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। यही नहीं, यूएन की अपील को इसराइल, हमास और फिलिस्तीन ने हवा में उड़ा दिया। इसी कारण वक्त के साथ जंग रुकने या कम होने के बजाय और खतरनाक होती जा रही है। साथ ही पड़ोसी और दूरदराज के देश भी आग में घी डालने का काम करते नजर आ रहे हैं या सिर्फ औपचारिकता भर बयानबाजी, जिसके चलते युद्ध रुकने की संभावना बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि यही हाल रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी हुआ था, जहां संयुक्त राष्ट्र संघ बस कहता रह गया और युद्ध आज भी चल रहा है। दो वर्ल्ड वॉर का कहर झेलने के बाद यूनाइटेड नेशंस की स्थापना इसलिए हुई थी कि वह दुनिया में शांति बनाए रखेगा और उन देशों को भी नियंत्रण में रखेगा जो युद्ध के लिए हर वक्त उतावले रहते हैं। शुरुआत में इस संगठन में 50 देश थे, लेकिन आज 193 देश इसका हिस्सा है। यूनाइटेड नेशंस की एक सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें 15 देश हैं। यह संगठन का सबसे शक्तिशाली हिस्सा माना जाता है, जो किसी भी देश पर पाबंदियां लगा सकता है या मिलिट्री की दखल दे सकता है। तो अब क्या कारण है कि यूनाइटेड नेशंस इतनी ताकत के बावजूद देशों के बीच होने वाले युद्धों को नहीं रुकवा पाता है? इससे पहले ये बता दें कि 1948 में इसराइल और फिलिस्तीन के बीच रहे 3 साल के तनाव में लगभग हजारों नागरिक मारे गए थे, लेकिन यूएन दर्शक बना रह गया। ईरान और इराक के बीच करीब 8 साल युद्ध चला, करीब 10 लाख लोग मारे गए। वियतनाम और अमेरिका की जंग को रोकने में भी यूएन बुरी तरह से असफल रहा। इसराइल और हमास के पहले रूस और यूक्रेन युद्ध को भी यूएन नहीं रोक पाया था। यही नहीं, कई अफ्रीकी देशों के गृह युद्ध में भी सिक्योरिटी काउंसिल ने दखल देने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तो ऐसा क्या कारण है कि यूनाइटेड नेशंस युद्ध नहीं रोक पा रहा है? तो इस बारे में कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि संगठन की सारी ताकत सिर्फ 2-4 देशों के पास रह जाना ही इसकी जड़ है। वर्तमान में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस को वीटो पावर मिला हुआ है। कहा जाता है कि ये सभी देश यूएन को अपनी अपनी नज़र से देख रहे हैं, जिसके सबके अपने हित हैं। जैसे कोई एक देश को सपोर्ट करता है तो कोई दूसरे देश को, जिसके चलते कोई भी बड़ा फैसला यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल नहीं ले पाती है। कहा जाता है कि इन दबदबे वाले देशों के बीच यूएन की स्थिति यहीं बनी रही तो यूनाइटेड नेशंस कभी भी युद्ध नहीं रोक पाएगा। इसी कारण अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ पर ये आरोप लगते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल बड़े देशों की गलतियों को अनदेखा करती है। क्योंकि कमाल की बात यह है कि दुनिया से शांति की अपील करने वाले इस संगठन के स्थायी देश वो देश है जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान खुला कतलेआम मचाया था, जैसे ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, उस समय सोवियत संघ। यही कारण है कि यूनाइटेड नेशंस की दुनिया में शांति को लेकर भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।